हिंदू संस्कृति में पंच महाभूत यानी पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु का बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इन्हीं पंच महाभूतों से हम मनुष्यों का शरीर बना है और यही पंच महाभूत हमारे जीवन के मूलभूत घटक है। वैदिक साहित्यों में भी इन पंच महाभूतों को किसी न किसी देवता से जोड़ा गया है और दक्षिण भारत में इन पंच महाभूतों से जुड़े मंदिर बने हुए हैं, जिन्हें पंचभूत स्थल कहा जाता है। इन मंदिरों में शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। इनमें से चार पंचभूत स्थल तमिलनाडु में हैं और एक पंचभूत स्थल आंध्र प्रदेश में है। इनमें से तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में स्थित एकांबरेश्वर मंदिर पंचभूत स्थलों में से एक है। इस मंदिर में स्थापित किया गया शिवलिंग रेत से बना है। ऐसी मान्यता है कि मां पार्वती ने भगवान शिव को तपस्या करके प्रसन्न करने के लिए यहां पर रेत से शिवलिंग बनाया था, इसलिए उसे पृथ्वी लिंगम भी कहा जाता है। उस लिंग से जुड़ी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव की आंखों पर हाथ रखकर उन्हें ढक दिया, जिससे संपूर्ण सृष्टि में अंधकार छा गया। शिवजी की आंखें बंद होने के कारण सूर्य और चंद्र की रोशनी खो गई और सृष्टि को प्रकाश मिलने का माध्यम नहीं रहा। तब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे चारों ओर उजाला हो गया और सृष्टि का सर्वनाश टल गया। इस घटना के बाद माँ पार्वती बहुत दुखी हो गई और अपनी वजह से सृष्टि में अंधेरा छाया इस बात पर निराश थी। अनजाने में हुई अपनी इस भूल को सुधारने के लिए जब उन्होंने भगवान शिव से मदद मांगी, तब भगवान शिव ने उन्हें तपस्या करने कहा। तब माँ पार्वती ने कामाक्षी के अवतार में पृथ्वी पर जन्म लिया और भगवान शिव के उपदेशानुसार कांचीपुरम में स्थित एक आम के वृक्ष के नीचे रेत से शिवलिंग बनाकर तपस्या करने लगी। भगवान शिव ने उनकी तपस्या में कठिनाई या बढ़ाने के लिए उस आम्र वृक्ष पर आग लगा दी, जिससे वो पेड़ और माता पार्वती तप गए। तब माँ पार्वती ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने भगवान शिव के सर से अर्धचंद्र लिया और उसकी शीतल रोशनी उस आम के पेड़ पर डाली, जिससे माँ पार्वती को तपस्या करते समय शीतलता पहुंची। जब अपनी ये तरकीब काम नहीं आई, तब भगवान शिव ने माँ पार्वती की तपस्या भंग करने के लिए पूजा स्थल के पास ही स्थित वेगावती नदी में बाढ़ लाई। शिवलिंग बाढ़ में बह जाने के डर से कामाक्षी यानी माँ पार्वती उस पृथ्वी लिंग को गले लगाकर बैठ गई। ऐसी मान्यता है कि उनकी चूड़ियों के निशान आज भी उस लिंग पर दिखते हैं। कामाक्षी के इस भक्ति भाव को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कांचीपुरम में मनुष्य रूप में आकर माँ कामाक्षी से विवाह किया। माना जाता है कि जिस आम्र वृक्ष के नीचे वो लिंग स्थापित है, वो वृक्ष 3500 सालों से भी ज्यादा पुराना है। उस पेड़ की चार डालियां चारों वेदों को दर्शाती है। इस मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाए जाने वाले उत्सवों में से एक है पंगुनी यानी फाल्गुनी ब्रह्मोत्सव, जो मार्च और अप्रैल महीनों में तकरीबन 10 दिनों तक मनाया जाता है। इन 10 दिनों में भगवान शिव को सुशोभित करके पालकियां निकाली जाती है, जिनका दर्शन करने तमिलनाडु के कोने कोने से भक्त कांचीपुरम में आते हैं। इस उत्सव के आखिरी दिन कल्याण उत्सवम मनाया जाता है, जिस दौरान मंदिर में भगवान शिव का मां पार्वती से विवाह रचाया जाता है। इस उत्सव के दौरान सामूहिक विवाह भी रचाए जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह देखने लोग दुनिया भर से कांचीपुरम में आते हैं।